संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन के बीच एक बार फिर से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठी है, जिस पर भारत समेत 34 देशों ने साझा बयान जारी कर हामी भरी है। भारत ब्राजील समेत 34 देशों का यही वो साझा बयान है जिसमें संयुक्त राष्ट्र से सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई है, जिसमें विशेष तौर से सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग भी है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को तत्काल और व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट के इस बात पर जोर दिया गया कि सुरक्षा परिषद को विकासशील दुनिया की आकांक्षाओं और दृष्टिकोण को समझना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का बहुमत बनाते हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा उठा चुके हैं। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा था कि अब समय आ गया है कि सुरक्षा परिषद को और समावेशी बनाया जाए, ताकि वो आज की दुनिया की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सके। अपने संबोधन में बाइडेन ने यह भी कहा था कि यही वजह है कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी अस्थायी सीट की मांग का हम लंबे समय से समर्थन करते आ रहे हैं। बाइडेन के इस बयान को संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग का समर्थन देना भी बताया जा रहा है।